तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा, 3। जैसलमेर बिल्कुल सही है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, 342,239, एक बात तो आप ये याद रखें, एक लाख बत्तीस हजार एक सौ चालीस वर्ग मील याद रखें, 342 लाख हेक्टेयर दोस्तों, हेक्टेयर वर्ग मील, ये दो तीन बातें याद रखें भाई, वर्ग किमी। दोस्तों यदि कोई राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछे, वो तीन तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका, राजस्थान का टोटल एरिया बताओ वर्ग किलोमीटर में, तब आप बताएंगे 342,239 वर्ग किलोमीटर। फिर यदि आपसे पूछे वर्ग मील में, तो 132,140 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग मील। और यदि हेक्टेयर में पूछे तो हम बताएंगे 342 लाख हेक्टेयर। ये तीनों बातें रट लो। अब मैं आपको चलता हूं आगे। हम जानते हैं कि देश के अंदर जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 210.4% लगभग 10.41, मैं मोटे तौर पर 10.41 लिख सकता हूं, इतना क्षेत्रफल राजस्थान का है पूरे देश का। अब दोस्तों राजस्थान के टोटल एरिया में यदि हम बात करें जैसलमेर की, दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं भाई, जनगणना 2011 के अनुसार, मैं नए वाले जिलों के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज आने वाले कई एग्जाम्स में नए जिलों पर आधारित क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन करंट का बनेगा। और हमने हमारी प्रतियोगिता में जो प्रतियोगिता रखी है उसमें भी हमने सिलेबस दिया है, तो पूरा का पूरा आरएस का सिलेबस है, आपने नोट ही नहीं किया, आरएस का सिलेबस है, राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी है ना, इको और करंट, आरएस का सेम सिलेबस है। राजस्थान का एक भी क्वेश्चन कभी जिंदगी में इससे बाहर जाने की संभावना नहीं रहती, यही सिलेबस रहता है ना। तो हमने ये डिसीजन लिया, हम पुराने ही पढ़ाएंगे, पुराना ही पढ़ेंगे, प्रतियोगिता में पुराने ही क्वेश्चन आएंगे, नया जीके नहीं पूछेंगे। क्योंकि नया जीके, एक बात बता देता हूं, आपके ज्यादा नहीं तो कह सकता 4-5 जिले समाप्त होंगे, याद रखना ये बात, लोकसभा होने दो फिर बात करेंगे। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हम जानते हैं जैसलमेर है। दोस्तों एक नंबर पे जैसलमेर है, हाँ दो नंबर पे हम बाड़मेर लिख देता हूं जनगणना के हिसाब से, तीन नंबर बीकानेर लिख देता हूं। दोस्तों एक चीज और नोट करें, चार नंबर पे जोधपुर, एक बात और लिखें, ये जनगणना के अनुसार है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान की आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार यदि ये आंकड़ा देखें तो बीकानेर इससे ऊपर आ जाएगा। नहीं, ये एक आंकड़ा है राजस्थान की आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, वो कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जैसलमेर का 38,401 है, 38,401 वर्ग किलोमीटर था, बाड़मेर का उस समय 28,387 था, 28,387 था, और बीकानेर का नवीनतम बताता हूं, पहले वाला था 27,244, जबकि बीकानेर का मैं वर्तमान में जो मैं आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय की बात कर रहा हूं वो कहता है 30,239, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार है 30,239। तो वह इसके अनुसार आपका दो नंबर पे बीकानेर है। ये तो हो गया आपके चारों जिले, सबसे छोटा धौलपुर, धौलपुर से छोटा थोड़ा बड़ा दोसा, दोसा से थोड़ा बड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर से बड़ा आपका प्रतापगढ़, तो सबसे छोटा कौन हो गया धौलपुर, मामूली सी बात है। और एक चीज और है दोस्तों, हम जानते हैं कि राजस्थान का टोटल एरिया, राजस्थान के टोटल एरिया का लगभग 11.22% यानी 11.22% कौन अकेला कौन है, जैसलमेर है, जबकि राजस्थान का टोटल एरिया का 0.89% कौन है, धौलपुर है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहते हैं। धौलपुर का एरिया पूरे राजस्थान का कितना है, 0.89, जैसलमेर का 11.22, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, इस प्रकार से गजब का क्वेश्चन भी आपका पूरा हो।